नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। अभी मैं मौजूद हूं सासाराम के कोर्ट के पास और मैं बता दूं कि यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा यहां पर आ चुके हैं और कोर्ट में आज उनका एक सुनवाई था, उसी को लेकर यहां पर पहुंचे हुए हैं और आज उनका कोर्ट में पेशी था और अपने सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। साफ वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उपेंद्र कुशवाहा जो सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ पहुंचे हुए हैं और मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि देख सकते हैं उनको कोरोना के टाइम में उन पर एक FIR किया गया था जो करघर थाने के में FIR की गई थी। मैं आपको बता दूं कि आज उसी को लेकर यहां पर पेशी था और उपेंद्र कुशवाहा यहां पर आज पहुंचे हुए हैं और यहां पर सुनवाई उनकी की जा रही है। क्या पूरा मामला है, आइए, उनको कुछ पार्टी के नेता है सीधा सीधी उन्हीं से जानते हैं। आपके पार्टी के राष्ट्रीय नेता यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कोर्ट आए हुए थे, क्यों आए थे? वो आए थे, एक केस था उनके ऊपर करघर थाना से संबंधित। कोरोना के समय में एक सभा हम लोग किए हुए थे, उसमें हम भी मुद्दा लें उस केस में, तो उसी केस में जमानत हुआ था, पुनः कोर्ट से जमानत लेने के लिए वो आए हुए थे। जमानत हो गया? जमानत हो गया, और जमानत होने के बाद वो पटना के लिए रवाना हो गए। आज सुबह में उनका अशोक सम्राट जयंती जो सासाराम में हुआ उसमें भी वो शरीक हुए, यहाँ के लोगों का स्नेह प्रेम मिला, बहुत बड़ा जन सैलाब उभरा सासाराम के लोगों द्वारा, उनका जो प्रेम था उपेंद्र कुशवाहा के प्रति दिखाया आज। क्या नाम है आपका? हमारा नाम झूना सिंह है, मैं वरिष्ठ नेता हूँ रालोजद के, राष्ट्रीय लोक जनता दल के। करघर थाने में एक केस मेरे ऊपर लॉन्च हुआ था, केस बिल्कुल फॉल्स है, लेकिन कोर्ट का सम्मान करना है तो कोर्ट में हाजिरी देने के लिए हम आए। निर्णय उसमें नहीं था, बेल की बात थी, बेल ग्रांट हुआ है। जैसे कि अभी आपने सुना, करघर थाने में आचार संहिता के उल्लंघन में उन पर FIR दर्ज किया गया था जो कोरोना टाइम में किया गया था, उसी को लेकर आज उनको पेशी होना था और यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुंचे और कोर्ट में पेशी हुए और यहाँ से उनको जमानत दे दिया गया। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।